नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएमएस टीवी। मैं हूं आपके साथ आकाश, और आइए नजर डालते हैं जबलपुर की आज की तमाम बड़ी खबरों पर। दूध के दामों में अचानक वृद्धि कर डेयरी मालिकों ने जहां दूध के दामों में 5 रुपए की एक एक वृद्धि कर आम जनता की जेब पर सीधा सीधा असर उड़ा डाला है, वहीं बिना किसी आधार के दूध के दामों में बढ़ोतरी को लेकर हाहाकार मची हुई है। जबलपुर कलेक्टर भरत यादव ने दूध के दामों में वृद्धि को लेकर कहा कि हमारे यहाँ डेयरी संचालक दूध के दामों को नहीं बढ़ाते, ये मार्केट पर निर्भर करता है, लेकिन डेयरी संचालकों ने बिना किसी आधार के दूध के दामों में वृद्धि की हुई है तो शाम को उनके साथ बैठक कर दामों को कम किए जाने को कहा जाएगा। अगर कोई डेयरी संचालक दूध के दामों को कम नहीं करता है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दूध के दाम हम लोग तो तय नहीं करते हैं, ना डेयरी संचालक तय करते हैं, वो तो मार्केट तय करती है। लेकिन अगर वो लोग बिना किसी आधार के रेट बढ़ाएंगे तो उस पर उनको नियंत्रण करने के लिए, उनसे चर्चा करने के लिए आज बैठक बुलाई गई है, और उस बैठक में चर्चा की जाएगी कि बिना आधार के इस तरह से रेट ना बढ़ाए जाएँ। और फिर भी अगर वो लोग कम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं या बात मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो जो फिर कानूनी प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई करें। जिला प्रशासन द्वारा प्रारंभ किए गए करियर गाइडेंस कार्यक्रम के तहत रविवार को कलेक्टर भरत यादव ने मॉडल स्कूल में एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं की क्लास ली। कलेक्टर ने इस मौके पर मुख्य परीक्षा के पैटर्न, उत्तर लेखन की शैली और टाइम मैनेजमेंट पर युवाओं को महत्वपूर्ण टिप्स दिए। योजना निबंध के लिए हम लोग लेते हैं, बहुत सारी ले लेते हैं, ले लेते हैं, सब लेते हैं, लेकिन एग्जाम के टाइम नहीं पढ़ते। अगर आपने उससे कट पेस्ट करके कुछ अपने करंट के नोट्स बना लिए तो बात अलग, नहीं तो आप नहीं पढ़ पाओगे। उसको भी मतलब एक तरह से निकाल ही देंगे, मत रखो वो, आपको बड़े भारी मन से करना होगा। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के संयोजक मनीष शर्मा ने बताते हुए कहा कि वर्ष 2018-19 में मध्य प्रदेश में 303 किसानों द्वारा आत्महत्या कर ली गई। राज्यसभा में कृषि मंत्रालय सरकार के मंत्री द्वारा 2018-19 की राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो की भारत में दुर्घटना वर्ष मृत्यु एवं आत्महत्या पर रिपोर्ट के आंकड़े ये चौंकाने वाली जानकारी दे रहे हैं। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शन मंच के सदस्यों ने तत्कालिक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर प्रदेश में किसानों की समस्याओं के तत्काल समाधान के लिए प्रदेश कृषि सलाहकार परिषद का गठन करने की मांग की है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्य प्रदेश में अभी ऐसी कोई भी संवैधानिक संस्था नहीं है जो किसानों की सुनवाई कर सके। किसान आयोग का जो गठन हुआ था 2006 में, उसको वर्तमान सरकार द्वारा 2018 में विघटित कर दिया गया। हमने माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उनसे यह मांग की है कि किसानों की समस्याओं को सुनने और सुलझाने के लिए तत्काल कृषि सलाहकार परिषद का गठन किया जाए, जिससे किसान किसी भी प्रकार के आत्महत्या कदम उठाने से बचे। शिवसेना, अखिल भारतीय छावनी उत्थान और संघर्ष समिति और छावनी किसान संघ ने सागर सांसद राज बहादुर सिंह को उनके सागर गोपालगंज स्थित निज कार्यालय में जबलपुर कैंट की मतदाता सूची से 24,000 मतदाताओं के नाम जोड़ने और घर मकान जमीन का मालिकाना हक दिलाने के लिए सभी 62 कैंटवासियों को राहत पहुंचाने का अध्यादेश लाने का ज्ञापन सौंपा। एकता चौक क्षेत्र में एक खेत में बने कुएं में बच्चे के गिरने की खबर से हड़कंप मच गया। बालक का नाम राजा बताया जा रहा है। कुएं में राजा के गिरने की सूचना देने के बाद भी पुलिस और बचाव दल का अमला काफी देर से पहुंचा, जिसको लेकर परिजनों में भी आक्रोश देखा गया। उनका कहना था कि यदि समय पर मदद मिल जाती तो बच्चा बच सकता था। वहीं परिजनों ने पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर भी आक्रोश नजर आया। बताया जा रहा है कि अपनी दादी को बचाने के चक्कर में बालक कुएं में जा गिरा। इस घटना से क्षेत्र में शोक की लहर है। 4 बजे से मेरा लड़का डला कुआं में, अभी तक किसी ने निकाला नहीं। और पुलिस वाले और हम ढंगा जाते तो पुलिस वाले और भगाते हमको। और क्या है कहते, और बड़े किराने होती चार ठो गाड़ी आ जाती, पानी वाली आ जाती, मशीन आ जाती, सब कुछ आ जाता। यहाँ कांटा डाल के घुमा रहे हैं, जैसे कोई मछली पकड़ते हो, ऐसा कांटा डाल डाल के घुमा रहे हैं जो लोग। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।